हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मतलब सेगमेंट की किंग गाड़ी, मतलब इसके कंपटीशन में कोई और गाड़ी हो ही नहीं सकती है। मतलब 7 सीटर और 8 सीटर में कॉन्फ़िगरेशन बहुत हैं, वेरिएंट मतलब प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, पर इसके लेवल का कोई नहीं है। ये चीज़ कहनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, वो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि अभी हम एक पहाड़ों का ट्रिप करके आए थे, तो भाई वहाँ पे छोटी मोटी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना दम दे जाती हैं बिल्कुल पहाड़ों पे। बट ये गाड़ी ऐसी है, एसी ऑन हो ना हो, मतलब बंदे 7 बैठे हैं 8 बैठे हैं 2 बैठे हैं ऐसे ही ग्लाइड करती हुई जाती है पहाड़ों पे भी, जैसे हाईवे पे चलती है। और हाईवे की किंग तो ये है ही भाई, मतलब किलोमीटर खाने वाली गाड़ी से कहते हैं लिटरली। तो कंफर्टेबल है और साइज में बड़ी है और टायर साइज वगैरह सारा कुछ मतलब बड़ा मिलता है इसमें आपको, तो मतलब एकदम स्मूथ ग्लाइड होती हुई जाती है रोड पे, तो पता भी नहीं चलते कितने किलोमीटर आपने कब कवर कर लिए। तो ये है जी इनोवा क्रिस्टा G2.7। और ये पेट्रोल में, डीजल में तो मैंने बहुत बार देखी है, इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो पेट्रोल में। और पेट्रोल में क्या आपको अलग मिलता है, कैसा इंटरफेस मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये क्या ही चीज़ आपको अवेलेबल करा देती है, सारा पैकेज जो बन के आता है। तो ये है, इसके सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि ये गाड़ी आपको ऑफर क्या क्या करती है। और इसके एक्स शोरूम कीमत की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 17,91,000 के समथिंग है आपको पड़ती है 8 सीटर वाली, और जो 7 सीटर आती है वो इससे थोड़ी सी कम आती है, मतलब 17.86 के समथिंग, तो करेक्ट आपकी स्क्रीन पे कर दूंगा, मेरे हिसाब से 17.91 ही है। तो ये है इसकी एक शोरूम प्राइस। और एक स्पेशल थैंक 36 टोयोटा को, फरीदाबाद में लोकेटेड है शोरूम और लिटरली भाई बहुत अमेजिंग स्टाफ है, इसीलिए बार बार आने का मन करता है यहाँ पे। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप भी डेफिनेटली आ सकते हो, किसी भी गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव बुक करो, किसी भी गाड़ी को चेकआउट करो और अच्छे से अच्छे ऑफर्स लो। नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और आगे भी शेयर करना अगर पेट्रोल में आप प्लान कर रहे हो या फिर कोई भी प्लान कर रहा है तो भेज दो उसके पास बेधड़क। और शानदार सी गाड़ी की गाड़ी नहीं, जहाज बोलूँ आप इसे हाईवे का, मतलब ऐसे उड़ती हुई जाती है भाई। तो ये है इसकी चाबी बेस वेरिएंट में, यहाँ पे सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है और फ्लिप की मिलती है आपको, जो कि आपको यूज करनी पड़ेगी गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये है फ्लिप की, और ये थोड़ा सा क्रोम का इंसर्ट इस पे देखने के लिए मिलता है, पीछे टोयोटा का लोगो है। तो ये कुछ है यहाँ पे, ऐसी चाबी मिलती है। तो अभी आपको इग्निशन में भी डाल के दिखा देते हैं इस चाबी जी को, चाबी जी को दिखा देते हैं डाल के। तो यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे वो भी मिलती है अपना, क्या कहते हैं उसको, इल्यूमिनेशन मिलती है। अभी जब दरवाजा खोलूंगा तो आपको दिख जाएगी, देखना अभी ऐसे जलती नहीं है। तो इसे एक बार आप ऑन कर देते हो, ये क्लस्टर ऑन हो जाता है, यहाँ पे टोयोटा लिखा हुआ आ जाता है, इसमें गाने वाने आप प्ले कर सकते हो काफी शानदार तरीके से। और अभी इसे एक बार अभी देखना, ये देखना पूरा, ये देखो ये हो गया ऑन, तो सिंपली तरीके से ऑन होता है, ऐसा कोई ज़्यादा ऐसे नहीं होता है कि भाई निडल्स ऊपर नीचे होते हैं, कुछ नहीं, सिंपल ऐसे लाइट आ जाती है इसके अंदर। तो बेस वेरिएंट है तो इससे हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे है 8,000 तक की RPM, 200 की टॉप स्पीड है, आउटसाइड टेम्परेचर बताती है भाई, देखो अपना 32 डिग्री है और ऑडो यहाँ पे है। और इसे आई थिंक हाँ जी यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो ट्रिप ट्रिप भी। तो ये सारा कुछ है, मतलब बेसिक नीड जो बंदे की होती हैं, जो जानना चाहेगा गाड़ी से तो वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे हैं वाइपर्स के कंट्रोल, और यहाँ पे है जी हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल, और स्टेयरिंग व्हील दिखा देते हैं आपको।
तो ये है कुछ स्टेयरिंग व्हील मल्टी स्पोक और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, बट जो ग्रिप है इसकी वो नॉर्मल मिलती है आपको, इस पर कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो अगर पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए तो प्लीज़ उसको भी आगे ज़रूर थोड़ा कर लेना, क्योंकि गाड़ी के बारे में आपको तभी थोड़ा अच्छे से आइडिया लग पाएगा। मतलब बता तो मैं बहुत कुछ दूँ गाड़ी के बारे में, पर यार वो ये ना कोई बंदा सुनना पसंद नहीं करता फालतू की चीज़ें, उन्हें बस बेसिक चीज़ों से मतलब होता है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बातचीत ज़्यादा करता हूँ। तो ये है जी, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए, ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो, मोड सेलेक्टर बटन है, वॉइस कमांड वाला फीचर है, फोन उठाने काटने के लिए बटन है। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। ओहो भाई, बेस वेरिएंट में आपको ये चीज़ मिल जाती है, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं। और यहाँ पे यहाँ से आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से तो सिर्फ ये मतलब सेट रीसेट होगी, बाकी चेंज आप यहाँ से भी कर सकते हो इसे। ये है नीचे की साइड, तीन पैडल्स हैं, अभी एक सेकंड फ्लैश जला के दिखाता हूँ। देखो ये देखो, नीचे की साइड तीन पैडल्स भी हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच और डेड पैडल के लिए यहाँ पे अलग से एक थम्सअप बनाया हुआ, बढ़िया। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, यहाँ पे है वैनिटी मिरर, बट यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है, बट काफ़ी सही यार, बेस वेरिएंट में ये स्लाइड वाला दे रखा है, काफ़ी मस्त। एयरबैग की बैजिंग भी यहाँ पे, येलो कलर की दो रिंग लाइट भी मिलते हैं कुछ इस तरीके की। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर है बेस वेरिएंट में, कमाल है। यहाँ पे है जी मैनुअल डिमिंग IRVM, जैसे आप मैनुअली करोगे। और यहाँ पे वैनिटी मिरर तो नहीं है, बट आउटसाइड यहाँ पे ये जरूर देखने को मिल जाता है, टिकट होल्डर। और डैशबोर्ड देखो, मतलब ब्लैक थीम गजब की लगती हैं भाई, गजब की लगती हैं। और इन पे भी ऐसा टोटली ब्लैक नहीं है, कहीं कहीं पे इंसर्ट्स दिए हुए हैं क्रोम के, सिल्वर हाईलाइट्स दी हुई हैं। तो जैसे कि ये है, ये है, और ये थोड़ा डार्क सिल्वर है, ऐसा नहीं है एकदम ब्राइट सिल्वर नहीं है, थोड़ा सा डार्क सिल्वर है, गोल्ड सिंह से चाम देता है थोड़ी सी। और यहाँ पे है ये गन मेटल में, बट ये ग्लॉसी वगैरह नहीं है, बट थोड़ा सा पैटर्न इस पे ऊपर देखने के लिए आपको जरूर मिलता है। एसी वेंट्स हैं, पूरा फ्लोटिड अपना डैशबोर्ड है। और यहाँ पे है अपना सिग्नेचर टोयोटा का, मतलब क्लॉक, जो कि टोयोटा की हर गाड़ी में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ आता है बेस वेरिएंट में, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये हैं एसी के कंट्रोल्स, कुछ इस तरीके के मैनुअल मिलते हैं। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर है, इको की मोड है, पावर की मोड यहाँ पे मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन है, और यहाँ पे 12 का चार्जिंग सॉकेट है, थोड़ी स्पेस है, 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है, लिवर बोटल होल्डर हैंड ब्रेक। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा आपको मिलता है ये आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस, काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे है अपना सेकेंडरी ग्रो बॉक्स, और यहाँ पे है प्राइमरी जो कि लॉक है, इसे आप लॉक भी कर सकते हो। तो ये है, और ये कुछ इस तरीके के मिलते हैं फैब्रिक ब्लैक सीट्स, काफ़ी मस्त। ये देखो अल्ट्रा वाइड में ना थोड़ा क्लियरिटी समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा ऐसे देखो, पोस्टरिंग वगैरह है, एक नंबर है भाई, ग्लाइड करती है, लिटरली ग्लाइड करती है गाड़ी। और अभी सीट को कर लेते हैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट और पीछे चलते हैं, पर उससे पहले आपको डोर पैनल्स वगैरह दिखा देते हैं। तो अभी लगा लो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है सीट, और अभी आपको दिखाते हैं डोर पैनल्स। तो डोर पैनल से पहले ये देख लो सीट, ये 6-way मैनुअल एडजस्टेड मिलती है ड्राइवर सीट, जिससे आप 6 मतलब हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ कर सकते हो 6 तरीके से, आगे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और ये भी आगे पीछे आप अपना कर सकते हो रिक्लाइन एंगल। तो ये 6-way मैनुअल एडजस्टेड है, टोयोटा की इसका प्लेट है। और ये देखो डोर पैनल, आवाज़ थोड़ी मतलब भारी सी आ रही होगी, क्योंकि अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट नहीं है, और थोड़ी हल्की सी भी आ रही होगी, और ज़्यादा मैं चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि शोरूम में मेरी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये है जो पैनल अपना, टोटली ब्लैक मिलता है। और इसका टॉप वेरिएंट तो भाई आए हाय, क्या वेरिएंट है भाई, मतलब फील ही नेक्स्ट लेवल है, गाड़ी की रिच फील कराती है प्रॉपर। यहाँ पे है क्रोम का डोर लिवर, चारों पार विंडोज़ हैं, डाइव साइड विंडो जो है वनटच अप डाउन है, डोर्स के लॉक है, यहीं से आप इन्हें लॉक अनलॉक कर सकते हो, विंडोज़ के लॉक हैं, ORVM कहाँ से फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो बेस वेरियंट के अंदर भी आप। स्पीकर की प्लेसमेंट, बोटर होल्डर और स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, और ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, तो ये देख लो प्रॉपर। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिलता है आपको, तो ये है कुछ। और अभी आपको पीछे की स्पेस वगैरह भी दिखा देते हैं, तो अभी आपको पीछे की स्पेस वगैरह और दिखाते हैं। और एक चीज़ जो है भाई, वो चीज़ माननी पड़ेगी, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की, मतलब दरवाज़ों को लगाना बंद करना फील है ना, जो एकदम बम्पी फील आती है, तो बहुत गजब की फील है। ये जो बेस आता है ना दरवाज़ों को लगाते टाइम खोलते टाइम, वो मतलब एकदम संतुष्ट कर देता है मन को कि हाँ भाई पैसे आपने सही जगह लगाए। और ये गाड़ी तो एकमात्र ऐसी गाड़ी है भाई इंडिया के अंदर, इस पर पैसा लगा के कोई बंदा रो नहीं सकता, पछता नहीं सकता, क्योंकि
पैकेज बहुत गजब का है। एक चीज़ एक साथ मैं समझाऊँगा आपको, यहाँ पे है क्रोम डोर लेवर, पावर विंडो कंट्रोल है, कोई फैब्रिक वगैरह नहीं है यहाँ पे, अपना स्पीकर रिप्लेसमेंट, बूट होल्डर, थोड़ी स्पेस, और नीचे भी रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे भी। यहाँ पे है जी इसका प्लेट जो कि प्लास्टिक की ही मिलती है आपको, और अब स्पेस वगैरह आपको दिखा देते हैं। ओए भाई, मतलब मार्केट के अंदर ना इतने प्रोडक्ट हैं, बट जब भी इसके अंदर बैठो ना भाई, ऐसा मन करता है बेशक बेस वेरिएंट ही हो बट इसी का हो, पता नहीं क्यों एकदम फील मतलब ऐसी है इसकी कि हाँ भाई बैठो और गाड़ी चलती रहे, कोई रोके ना उस कहीं पे भी, और रुकेगी तो वैसे भी नहीं क्योंकि टाटा का ट्रस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, साथ में मिलता है। तो ये यहाँ पे पॉकेट्स हैं दोनों ही सीट्स पे, यहाँ पे हुक्स मिल जाते हैं दोनों ही सीट्स पे, और एक सेकेंड यहाँ पे देखो एक USB पोर्ट मिलता है, फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, एक 12 का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे भी मिलता है भाई, मिनिमल सा हम्प है बट यहाँ पे तीन बंदों को बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और ये देखो पीछे से डैशबोर्ड, कितना ही कुछ आ जाए भाई मार्केट में, कितने ही वो आ जाएँ, सनरूफ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलायबिलिटी, जो कि टोयोटा ही आपको अवेलेबल कराती है, और ये चीज़ मैंने देखी भी है मार्केट में भाई, तुरंत रिस्पॉन्स होता है इनका हर चीज़ को लेकर। तो ये है, कभी आपने नहीं देखा होगा भाई अभी रिसेंटली कि कोई गाड़ी टोयोटा की गाड़ी से कोई बंदा इतना परेशान हो गया हो कि उसे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा हो। छोटी मोटी चीज़ें देखो, हर चीज़ गाड़ी मतलब मशीन है यार, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, बट इतना परेशान टोयोटा की गाड़ी से कोई नहीं होगा। और इनकी जो ETOS थी भाई, वो तो ये लगा लो अब क्या कहते हैं उसके ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है, किसी के पास है तो वो देने को तैयार नहीं है भाई, मतलब इतनी गजब की गाड़ी थी वो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल गाड़ी थी। तो अभी पॉइंट पर आते हैं हमें इनोवा के अंदर, तो इनोवा की बातचीत करते हैं। रूफ माउंटेड AC वेंट्स हैं यहाँ पे, जिनका आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो सारा तामझाम, और यहाँ पे येलो कलर की रीडिंग लाइट भी है, आगे भी मिलती है पीछे भी मिलती है बट यहाँ पे नहीं है। इनके लिए सीट बेल्ट आपको देखने के मिल जाते हैं पीछे वाले बंदों के लिए, जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदों के लिए 8 ही हेडरेस्ट है। वो वाला जो बीच में देख रहे हो आप, ये अपने डिग्गी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, आपको जब जरूरत ना हो तो आप इसे रख भी सकते हो हाइड करके। तो ये है, और लिटरली पूरी बिजनेस क्लास जैसी फील आ रही है गाड़ी चलती रहे, मतलब ये रिक्लाइन एंगल देख लो आप कितनी पीछे हुई पड़ी है सीट, और काफ़ी गजब का माहौल बना रखा है भाई इसने यहाँ पे। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, तो कप होल्डर्स भी हैं, वाओ। तो ये है 1 2 3 4 5 ही ये मिलता है अपना ग्रैब हैंडल, दोनों साइड अपना कोट वगैरह हैंग करने के लिए हुक्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे है। और अभी एक सेकंड पीछे उड़ जाकर दिखाते हैं आपको कि पीछे क्या स्पेस बन पाती है, तो इसे थोड़ा कर लेते हैं। ये देखो कोई झंझट नहीं, मैं तो बंद करने वाला था वीडियो को कि शायद खुले बंद ही ना हो ऐसे, मतलब हो ही ना, बट ये तो बहुत सिंपली होगी यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभी आपको पीछे की स्पेस वगैरह दिखा देते हैं, ये देखो भाई एक सेकंड रुकना बस। तो ये हूँ जी मैं सबसे पीछे वाली रो पे, 5-9 मेरी हाइट है, ये आप देख सकते हो काफ़ी नफ्सा लेग रूम है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। पैर भी स्ट्रेच आउट कर लेना थोड़ा, यहाँ पे हो सकता है 6 फुट के बंदे को थोड़ा इशू हो सकता है, बाकी मुझे कोई नहीं है क्योंकि सीट भी पूरी अपना पीछे की तरफ रिक्लाइन हो जाती है, अपना ये हेडरेस्ट वगैरह जो आप एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और भाई जितना मज़ा उस पे सीट पे आया था इतना ही मज़ा यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके पास लगेज थोड़ा कम है तो आपको पूरा मज़ा आएगा, किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे दोनों ही साइड कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी। तो ये था पूरा सीन, और अभी चलते हैं बूट वगैरह दिखा देते हैं आपको, ये सीट को वापस से इसकी पोजीशन भी करके, और देखो कितना सिंपल है यहाँ से निकलना उतरना यार, मतलब कोई झंझट ही नहीं है कैसा भी, और गजब भाई। एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे कि वो आती है किया कैरेंस, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एक बटन दी हुई है, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं वो, कि एक बटन दबाती है अपने आप हो जाती है भाई, ये देखना ये भी तो अपने आप ही हो जाती है। इसको बस मैंने सिंपली ऐसे किया था, अपने आप नहीं चाहिए, अपने आप ही ऐसे ट्रम्बल हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ ये फीचर्स हैं, इनको टोयोटा मतलब ऐसे हवाबाजी का फीचर मानती नहीं, ये यूज समझती है, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं कर रखा जैसे कि वो हाईलाइट करते हैं। तो ये सीन है यहाँ पे, एक सेकंड बूट खोल लेते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक बटन आपको मिल जाती है, वाओ ये देखो भाई। और ये सीट उसी हिसाब से एडजस्ट है, आप देख सकते हो रिक्लाइन एंगल वगैरह पूरा पीछे की साइड है, तो ये आप देख सकते हो। और ये जो मैं कह रहा था, ये जो दो होल्स आप देख रहे हो इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है बहुत सिंपली। यहाँ पे लाइट भी आपको मिल जाती है, बूट लाइट, और ये देख लो भाई इनफ स्पेस मिल जाती है 300 समथिंग लीटर्स की, 200 250 की तो होगी एग्जैक्ट, आप स्क्रीन पर कर दूंगा लिंक।
ये है, स्पेयर व्हील वगैरह नहीं आता है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा नीचे की साइड। तो ये है और पीछे से आप देख सकते हो पूरा व्यू, मतलब कितनी तारीफ करो इस गाड़ी की उतनी कम है। बस ये थोड़ी सी नेक्स्ट जनरेशन का इंतज़ार कर लो इसकी का, कभी भी जब भी टोयोटा अनाउंस करते हैं इसकी नई जनरेशन आएगी तो फिर देखना आप इसका ट्रेंड, या फिर इसी के अंदर कुछ और हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत औसम है इस गाड़ी की। अभी बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से कि आपको ऑफर क्या क्या करती है। तो अभी सेगमेंट में सबसे बेस्ट क्लास गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इनोवा क्रिस्टा की। कंफर्ट के मामले में इससे ऊपर, बस इससे ऊपर वाली गाड़ियाँ आ सकती हैं, मतलब जो प्राइस रेंज में भी इससे ऊपर हूँ, सेगमेंट वाइज भी इससे ऊपर हूँ। इससे नीचे तो बस ये लगा लो कि बस एक तरीके से कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है कि हाँ भाई सेवन सीटर ही चाहिए, तो थोड़ी सस्ती भी मिल रही है तो वही ले लेते हैं, सात बंदे तो उसमें बैठ जाएंगे, साथ इसमें बैठते हैं, क्लास वाली बात है। और जो फील है इसकी, ये थकती नहीं है, बड़ा इंजन मिलता है इसको, थकती नहीं है कितना ही चलाओ इसे, जैसे छोटे छोटे इंजनों को रेस्ट देना पड़ता है वो इसके साथ नहीं होता है। बाय द वे पेट्रोल है तो इसकी भी हम आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पे है डुअल चैम्बर हेडलैम्प हेलोजन बेस, यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट भी है, मतलब सॉरी ये अपना पार्किंग बल्ब है, इंडिकेटर्स नीचे की साइड यहाँ पे मिलते हैं। तो ये है और इनका थ्रो भाई पूछो मत, मतलब दिन सा निकाल देते हैं। अभी एक्सपीरियंस किया है इसे हमने पहाड़ों पे ना, तो गज़ब का एक्सपीरियंस है भाई इस गाड़ी का, मतलब ऐसे जाती है किसी भी चीज़ में, ये लगा लो ना हाईवे पे थकती ना पहाड़ों पे थकती, लोड तो मानती नहीं है बिल्कुल भी। डीजल इंजन की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ मैं। टोयोटा का लोगो है, काफ़ी बड़ी सी ग्रिल है, हाईलक्स के अंदर भी आपने ऐसी देखी होगी। और यहाँ पर कोई फॉग लाइट्स वगैरह नहीं आते, इसमें लेआउट ज़रूर मिल जाती है, हम चाहें तो लगवा सकते हैं। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, गाड़ी की डायमेंशन आपकी स्क्रीन पे हैं तो आप देख लेना कितनी लंबी ऊँची चौड़ी है। बाकी भाई एकदम क्या ही ज़्यादा एक्यूरेट लगती है, वैसे रोड पे चलती हो तो बहुत नॉर्मल लगती है, पर जब ऐसे देखते हैं ना खड़े हो गए भाई वाह, ऐसा मन करता भाई बेस वेरिएंट हो, कास्ट हो तो सही बस। बहुत प्यारी लगती है और ये सिल्वर कलर तो भाई गजब का ही लग रहा है, इस पर क्या शाइन मार रहा है, बिल्कुल बहुत नेक्स्ट लेवल। तो ये छोटी फॉर्चूनर लगा लो आप इसे। और साइड सेक्शन में आए तो यहाँ पे आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलते हैं और मशीन का अलॉय व्हील्स ही अपना बेस वेरिएंट से मिलते हैं, क्योंकि टोयोटा समझ चुका था कि भाई इस गाड़ी की क्लास क्या है, तो इसलिए इसमें अपना नॉर्मल स्टील व्हील्स का ऑप्शन ही नहीं है, ये मिलते हैं आपको बेस वेरिएंट के अंदर। और इसके टायर सेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो ये जो 205/65 R16 16 इंच के कुछ ऐसे मिलते हैं व्हील्स, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर होते हैं। और ये देखो भाई क्या फ्लोटिव लाइन है इसकी, ये शू सिंपल बॉडी कलर्ड ORPMs है इंडिकेटर्स के साथ, और यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है, बाकी सेंटर लॉकिंग मिलती है आपको गाड़ी में। ये है ऊपर की साइड एक शार्प फैन एंटीना भी है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, वाइपर है, डिफॉगर वगैरह नहीं है इसके अंदर। टोयोटा का लोगो है, हेलोजन बेस कुछ ऐसे मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े से टेल लैंप्स, मॉडल 2.7G की बैजिंग और यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग, और यहाँ से डलेगा गाड़ी में पेट्रोल। ये देख लो, मजाक नहीं कर रहा था भाई मैं, सही में पेट्रोल की है। ये देखो यहाँ पे नीचे के साइड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और काफ़ी मस्त। और अभी एक सेकंड इसका पेट्रोल इंजन और दिखा देता हूँ, भाई मैंने नहीं देखा आज से पहले इसका पेट्रोल इंजन कभी। और अभी इस बड़ी सी गाड़ी के बड़े से पेट्रोल इंजन की बात करें तो भाई ये देख, पहली बार देख रहा हूँ ये वाला इंजन में, इसका VVTi टोयोटा का लोगो भी है इसके ऊपर, ये देखो ये रहा यहाँ पे। और ये है जी 2694 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, समझ रहे हो आप इतना बड़ा पेट्रोल इंजन है, जो कि 163 bhp के आसपास डेवलप करता है और 245 मतलब कि 245 Nm का इसमें टॉर्क आपको मिलता है। और 8Q माइलेज कंपनी खुद क्लेम करती है इससे, बताओ 65 लीटर्स का फ्यूल टैंक ये कैरी करती है अपने साथ। तो भाई 8Q भी मैं तो बहुत समझ रहा हूँ, यहाँ 8Q भी देरी है, मतलब इतना बड़ा इंजन यार कमाल की बात है। ये देखो कुछ ऐसा मिलता है, पहली बार देख रहा हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन में। तो ये है और इंसुलेशन पैडिंग वगैरह मिलती ही है आपको इसमें, बाकी है गाड़ी शानदार। तो ये उनके लिए जिनको ऐसा है कि भाई ज़्यादा रनिंग नहीं है, बस हमें शौक के लिए चाहिए थोड़ा बहुत जाने के लिए, कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो ये उनके लिए। तो एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये थी आपके सामने इनोवा क्रिस्टा बेस वेरिएंट पेट्रोल G2.7, कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट्स में, और इस गाड़ी के बारे में क्या राय है आपकी वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिसको नीड है उसके पास तो शेयर ही कर देना, और सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ, मतलब मचा डालो। और फिर मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय।